हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच लेके एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट AIASL में आई है ग्राउंड स्टाफ के लिए नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि AIASL क्या होता है। देखिए, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के अंतर्गत आपकी 3 टाइप्स की वैकेंसी निकल के आई है, जो कि है आपका ग्रुप सी का पोस्ट। इसके लिए ना ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में, तीनों ही पोस्ट के बारे में बताऊंगी। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, लिखित रूप से सारी चीज़ें आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम पे इसको अप्लाई करने का भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो जाइए जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पर 3 टाइप्स के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेकेंड है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, थर्ड है आपका हैंडीमैन एंड हैंडी वीमेन का पोस्ट। सबसे सिंपल एंड सॉर्टेड यही पोस्ट है, जिसके लिए बस सिंपली जो 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोनों पोस्ट की बात करें तो जो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा या फिर ITI या फिर नहीं, ITI और डिप्लोमा के अलावा आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड पोस्ट जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसके लिए आप 10th पास तो है तो ठीक है, उसके साथ ना आपके पास हेवी मोटर व्हीकल मतलब भारी वाहन को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि हमने बात किया हैंडीमैन और हैंडी वीमेन का, 10th पास सभी बच्चे अप्लाई करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10th में आपका क्या परसेंटेज है, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, देखिए आपको दो तरह के लैंग्वेज तो आने ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आना चाहिए। तो बस 10th पास है, हिंदी इंग्लिश बोलने आता है, नॉलेज है उस लैंग्वेज का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 यानी 3 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 4 पोस्ट रहेगा, हैंडीमैन और हैंडी वीमेन के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है 210, और ओवरऑल काउंटिंग देखी जाए तीनों पोस्ट को कैलकुलेट करके तो 217 यानी 217 पद रहेगा। तो ये तो हो गया पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स। अब बात करते हैं इस पोस्ट का क्या आपका सैलरी रहने वाला है, तो तीनों पोस्ट का बता देती हूँ। देखिए, जो आपका रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है उसके लिए 24,960 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ के इन स्टार्टिंग। सेकेंड, जो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर है ना, इसके लिए 21,270 रुपया मिलता है शुरुआत में, और जो हैंडीमैन और वीमेन का पोस्ट है उसके लिए आपको 18,840 रुपया मिलता है। तो ये सुन के घबराना नहीं है कि इतना कम सैलरी। देखिए, ये सैलरी मानती हूँ कि कम है, बट ये स्टार्टिंग में है, जैसे जैसे आप काम करोगे ना आपकी सैलरी वहाँ पे इंक्रीज होगी और बाद में आपको अच्छी खासी एक अमाउंट सैलरी के रूप में दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसका अप्लाई डेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आज है 1st अक्टूबर, तो आज से ये आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट इसका मैं आपको दे दूंगी लिंक, PDF में भी आपको लिंक रहता है दिया हुआ एयरपोर्ट की तरफ से, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा जानकारी क्या क्या वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो लिंक दे दूंगी, तो अभी अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन, तो आप अप्लाई कर लेना। हाँ, फॉर्म का जो फी है ना 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। अब चर्चा करते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी। देखिए, तीनों ही तरह के पोस्ट के लिए 18 से 28 वर्ष मींस कि 18 to 28 ईयर्स। तो ये एज किस डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, व्हाट इज़ द कट ऑफ डेट। देखिए, 1st अक्टूबर यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने का फर्स्ट डेट है ना, उस दिन से आपका एज काउंट होगा। 18 वर्ष से 28 वर्ष के सभी बच्चे अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आपको एज में ना रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष का और SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो क्लियर
क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। देखिए चयन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, और हाँ ये भी बता दूं कि नो एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, मतलब कि कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है। तो फिर आपका भर्ती होगा कैसे, किस बेसिस पे होगा, तो चलिए मैं आपके लिए ये भी आसान कर देती हूँ। देखिए वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका, मतलब कि एक वेन्यू दिया है कि इस वेन्यू पे जाके आपको इस डेट पे इतना इतना टाइम में जाके आपको इंटरव्यू देना है। वहां पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बस आपका चयन हो गया। तो वो वेन्यू क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जॉब लोकेशन क्या होगा। जॉब लोकेशन आपको केरल में कोचीन एयरपोर्ट के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं इंटरव्यू के ऊपर कि इंटरव्यू का डेट क्या हुआ, क्योंकि आपने देखा कि तीन तरह के पोस्ट है तो संभव तो नहीं है ना कि एक ही दिन सबका इंटरव्यू हो जाए। देखिए यहाँ पर आपके जो पहले दोनों पोस्ट है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इन दोनों का जो आपका इंटरव्यू होगा ना 5 अक्टूबर, जी हाँ सही सुना आपने, अभी से 4 दिन के बाद 5 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, यानी 3 घंटे तक इंटरव्यू चलेगा इन दोनों पोस्ट के लिए 5 तारीख को। ये सारी चीजें ऐसे तो आप ध्यान रख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आपको PDF में तो मिल ही जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपका सेकेंड पोस्ट है ना, हैंडी मैन और हैंडी वीमेन, इसके लिए आपका 7 अक्टूबर यानी अभी से 7 दिन के बाद 7 अक्टूबर को 9 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 9 AM to 12 PM, मतलब कि दोपहर 12 बजे तक 9 बजे से आपका इंटरव्यू 3 घंटे के लिए चलेगा। तो इस डेट को भी याद रखना है जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अपना भाई सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको सब बता दूंगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो पॉइंट आपको पढ़ना होता है जब नोटिफिकेशन आता है, तो उसको थॉरो आउट अच्छे से आप रीड कर लिया करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया इंटरव्यू का डेट क्या है। अब वेन्यू क्या है, कहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है, तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज PDF में तो सब कुछ जानकारी है। देखिए श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेंगूर दुर्गा देवी टेम्पल, वेंगूर अंगमलई इरनकुलम केरल, मतलब केरला के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। पिन कोड है 683572। तो ये चीज आप देख लेना। यहाँ पे एक आपको नियर बाई चीज भी बताया गया कि ऑन द मेन सेंट्रल रोड, मतलब MC रोड से आपका 1.5 किलोमीटर दूर रहेगा अंगमलई से आपका कलाडी के तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एक आपको मिल गया कि हाँ इस जगह पे जाना है, इस रोड के आसपास आपका रहेगा। तो वो सब आप पहले गूगल पे अच्छे से सर्च करेंगे, पता करके ही जाइएगा, ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए। सो मैं आशा करती हूँ ना कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ जानना चाहते हैं आप तो बेझिझक कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर ले। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।